यूपी के बलिया में बेरिया क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि इंसान के रूप में ममता बनर्जी राक्षसी परंपरा की हैं और वो एक शेष बच गई है, जैसे लंका में लंकनी थी जो हनुमान जी को रोकी थी, उसी तरह से ये भी रोक रही थी राम और हनुमान को। विधायक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यहाँ योगी जैसे हनुमान पैदा हैं, इस देश में उसे रोकने की क्षमता किसी में नहीं है, और जैसे योगी और मोदी ने बंगाल को फतह कर लिया है तो अब लंकिनी का भी नाश हो ही जाएगा। लंका में विभीषण का राज स्थापित होगा, भाजपा विभीषण की तलाश कर रही है, तृणमूल में विभीषण के वंशज भी हैं, 10-20 विभीषण मिल चुके हैं, उसी में से ओरिजिनल विभीषण तलाशा जाएगा और राम हमारा वहां का अभिषेक करके बंगाल की धरती का विभीषण चुनेगा और विभीषण को बैठा करके राम राज्य स्थापित किया जाएगा। वहीं मायावती पर हमला करते हुए गठबंधन टूटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मायावती शुद्ध रूप से राजनीतिक दरिद्र हैं, स्वभाव से उनके पास पैसा चाहिए, वो जानती हैं कि गठबंधन होगा और कांग्रेस के साथ होगा तो 100-100 सीट मिलेगी। ममता दीदी ऐसे राक्षस स्वभाव का व्यक्ति कभी भी सज्जनता की भाषा नहीं समझता, तो हनुमान के रूप में योगी जी वहां प्रवेश कर चुके हैं और मुष्टिका मारी, एक कपिहनी आया है ना रामचरितमानस में, तो अभी जय जय सभा हुई है, वो मुष्टिका मान लीजिए राजनीति का मुष्टिका है वो, तो जय सभा हुई है तय जो है सीट निकल गया, तो तय मुष्टिका मारने पर काम हो गया, तो आधा जो है लंका में भी प्रजातंत्र का लंका मान लीजिए, केरल और बंगाल इस समय लंका हो गया था, तो वहां भी विभीषण खोजा जा चुका है, विभीषण मिल चुका है, भाजपा में विभीषण वहां के मिल चुके हैं सब, विभीषण का राज्याभिषेक होगा और प्रजातंत्र की जो रावणी है, रावण नहीं लंकिनी मैं कहूंगा, प्रजातंत्र की लंकिनी ममता बनर्जी, उसका भी योगी रूपी हनुमान और मोदी जी रूपी राम उसका जो है नाश करेंगे और विभीषण कोई पैदा होगा उसका चंदन राजाभिषेक किया जाएगा, राम राजा स्थापित। यूपी बलिया से नवल की रिपोर्ट।